हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं रिगार्डिंग द लेवल अप इवेंट। गाइस आ रखा है लेवल अप इवेंट, देखते हैं एक बार जाके फटाफट। हाँ आया हुआ है, 12 घंटे बचे हैं अभी, तो मैं ये अपलोड करूँगा 1-2 घंटे में, तो यू विल बी स्टिल हैविंग 10 आवर्स टू फिनिश योर लेवल अप इवेंट। गाइस आज के लिए मैंने यही सोचा है कि मेरा कोई कैटलिस्ट एज सच एक्सपायर नहीं कर रहा, सो आई विल जस्ट ट्राई टू लेवल अप जो भी मेरे चैंपियन यहाँ पे अटके हुए हैं काफ़ी टाइम से। स्किल मिस्टेक और हर कैटेगरी में मेरे पास चैंपियन एक्सेप्ट साइंस, आई थिंक है ना, साइंस वाज अ दिक्कत। अमेरिका शैविस को छोड़ के स्कॉलेट विच करते हैं हमारी ये वाली क्या बोलते हैं सिजिल वाली स्कॉलेट विच जिसको थोड़ा सा रैंक कर दिया मैंने साइंस में। एज आई टोल्ड यू आई हैव नो वन। स्किल में आई थिंक आई हैव जवारी पैंथर टू बी टेकन अप, सो शी इज गोइंग टू रैंक 3 मैक्स सून। एंड स्किल में और कोई है? नहीं है, नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ये क्लेम करते हैं। म्यूटेंट आ रहा है, चलो म्यूटेंट में तो है मेरे पास हैवॉक। हैवॉक को भी रैंक 1 मैक्स करते हैं एज अ 6 स्टार। साइंस और स्किल काफ़ी है मेरे पास, वो वाला हटाना है भाई। हटा देते हैं यार उसको, किस पे लगाऊं मैं साइंस और स्किल को, देखते हैं एक बार। लेवल अप रैंक अप साइंस स्किल, कोई भी रैंक अप करने लायक है नहीं अभी। एक तो 6 स्टार में तो साइंस है ही नहीं कैरेक्टर मेरे पास अच्छे। स्किल में है कार्नैक है, देखते हैं उसका क्या बफ आता है। अच्छा बफ डिटेल्स तो आई हैं बट आई एम नॉट श्योर। ओके आई थिंक किंग पिन को रैंक 4 कर दूं या फिर स्पाइडर हैम को रैंक 5। आई कैन डू स्पाइडर हैम रैंक 5 और हिट मंकी रैंक 5। मेरे कैटलिस्ट जो एक्सपायर होने वाले हैं वो भी बच जाएंगे और मेरा आईसो भी यूज़ हो जाएगा। राइट एक बार खोल के देखते हैं हमें क्या मिल सकता है T4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल में, वो फटाफट करते हैं। टीयर 5 टीयर 4 क्लास 97 पड़े हैं मेरे पास, 10 खोल रहा हूँ। 2 साइंस के चाहिए थे, स्किल के ज़्यादा मिले हैं। ओ ये क्या हो रहा है, साइंस का क्यों नहीं दे रहा? चलो परफेक्ट, अब जाएं अगर हम और देखें तो दोनों को एक एक बार रैंक अप कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ। ज़्यादा मैं आईसो नहीं डालूंगा उनमें, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मेरे पास बहुत अबंडेंट पड़ा है आईसो। सो या हिट मंकी इज डेफिनेटली गोइंग टू रैंक 5 एंड इस पर ये आईसो लगेगा और क्लेम कर लेते हैं अपना कैटलिस्ट पहले। ओके अभी बहुत कैटलिस्ट बचे हैं, बस मेरा T5 बेसिक ख़त्म हो गया है तो अब ये नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर अभी भी देखूं साइंस में सीगल ले जाऊं और नो आई थिंक आई जस्ट सेव फॉर स्पाइडर हैम ओनली। तो साइंस में एज सच कुछ है नहीं मेरे पास लेवल अप में है, सी हल कर देते हैं यार, थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं उसमें। अरे यार ऐसे बुद्धू बुद्धू चैंपियंस को देना पड़ेगा, अबे इनके भी फुल है, सेंट्री को देते हैं। टू स्टार करना पड़ रहा है, मेरे ये वाले भी कैटलिस्ट एक्सपायर हो रहे हैं तो ये भी इसी बहाने क्लेम हो जाएंगे। नाउ आई विल जस्ट सेलेक्ट आईसो एक्सेप्ट साइंस। ओहो ओके बट आ गया यहाँ पे मोडॉक। ऑलराइट लेट्स गो, ये वाले कैटलिस्ट भी क्लेम हो गए मेरे T1 कैटलिस्ट। एक्चुअली यूजलेस तो नहीं है, 2 स्टार 3 स्टार रैंक करने में काम आते हैं। ओके
फाइन ओके, ये भी बड़ा है, इसमें एक ब्रेक डल जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखें लेवल अप में ही हूँ मैं, बस साइंस हटा दूँ तो देखिए सब कुछ है मेरे पास। एक बार देखते हैं, साइंस नहीं होना चाहिए इस वाले बैच में, नहीं है। सो आई थिंक आई हैव फॉर हैवक, हैवक भी है मेरे पास, मेरे पास बिशप भी है, उसको भी करना है। आई हैव सो मैनी कैरेक्टर्स मैन, आजकल कुछ ज़्यादा ही 5-6 स्टार मिल रहे हैं भाई। मिस्टेक है, थैंकफुली मिस्टेक में कुछ चाहिए भी स्कारलेट विच के लिए। आई थिंक मेरे लेवल आपके पॉइंट्स हो गए, हो जाने चाहिए अब तक तो। ऑलराइट, तो हैवक इज डन, अगला हम करेंगे बिशप को गाइस, इसको अभी इग्नोर करते हैं। अब चलते हैं स्कारलेट विच की ओर, एंड लेट्स पुट इन एज मेनी आईसो एज वी कैन इन हर। कूल, मिस्टेक एंड म्यूटेंट ओनली, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। 7 दिन बचे हैं अब आईसो एक्सपायर होने में, सो आई थिंक आई एम गुड नाउ एंड आई कैन इग्नोर आगे का सीन। ऑलराइट, देखूं अगर मेरे 5 के 5 हो गए माइलस्टोन्स, 5 के 5 हो गए। चलो आज के लिए मेन ध्रुव का इतना ही है, ध्रुव जोशी अकाउंट का, एंड बेबी ध्रुव में चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पे क्या करें। ओके गाइस, बेबी ध्रुव में भी पहुँच गए हैं, इस बार एक बार जाके देखते हैं। कैटलिस्ट कूटलिस्ट तो कुछ एक्सपायर नहीं हो रहे, लेट्स वेरी क्विकली एंड गो एंड सी। ओके, 1 डे लेफ्ट फॉर टियर 5, तो हमें आज एक रैंक 5 या रैंक 2 करना ही पड़ेगा चैम्पियन गाइस, वो देखते हैं हम किसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई सी रैंक 2 आई कैन डू ओडिन, एंड पर मैं सोच रहा हूँ कोई डिफेंडर करें, कोई डिफेंडर किया जाए। रैंक 5 किसको किया जा सकता है, ओ आर्च एंजल, ओ ब्यूटिफुल। यहाँ पे देखते हैं कोई टियर 4 क्लास के एटलीस्ट तो नहीं एक्सपायर हो रहे, टेक के हो रहे हैं। टेक में मेरे पास गोस्ट है आई थिंक रैंक 5 करने के लिए, रैंक 4 करने के लिए, सो आई कैन डू दैट एज वेल कि इसको रैंक 4 करूं, पर मेरा कैटलिस्ट एक्सपायर हो जाएगा। सो पहले क्या करें, हम करेंगे कि वी विल गो टू टियर 4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल एंड प्रे टू गॉड कि हमें म्यूटेंट मिले, ताकि 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 यस हमारा हो जाए रैंक अप आर्चेंजल टू मैक्स आउट गाइस, अनदर मैक्स चैंपियन फॉर बेबी ध्रुव, प्रेडी प्रेडी साइट, म्यूटेंट 5 स्टार। ये रहा आर्चेंजल, ये है रैंक 4 पे, इसका पी आई बहुत कम है, इसको वैसे ड्यूप और 30-40-50-60 सिग्नेचर लेवल चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वाला सीन तो है, बट लेट्स सी अगर हमें इस बार अवेकनिंग जैम मिलेगा कोई, सो वी विल डेफिनेटली टेक दैट। 7 days left for tier 2 alpha to expire. और rank 5 आने वाले हैं guys अभी baby ध्रुव में guys। अब इसको ऐसा करते हैं, म्यूटेंट हटाते हैं और लेवल अप करते हैं सिर्फ। एक तो मुझे लेवल अप करना है अपना मोल मैन, ओके, फिर साइंस है, मिस्टेक है, कॉस्मिक है, है ना, साइंस मिस्टेक कॉस्मिक टेक, साइंस साइंस की दिक्कत यहाँ भी है, मिस्टिक ये रहा ड्रैगन मैन करते हैं, मिस्टिक ड्रैगन मैन रैंक 2, ओके, कॉस्मिक एंड टेक, टेक में मैंने सोचा था वल्चर करेंगे, वल्चर ही कर रहे हैं अब, एक बार वो क्लेम कर लेते हैं आईसो जो एक्सपायर होने वाले हैं, अगर अभी एक्सपायर नहीं हो रहे तो कुछ नहीं, ओह टेक का बहुत है एंड मिस्टेक भी बहुत है, सो आई नीड बोथ ऑफ देम। टेक वल्चर है मेरे पास, ओके,
करते हैं, अब मिस्टेक में वापस जाके हम उसको देंगे ड्रैगन मैन को। वल्चर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैवलियर डिफिकल्टी में काम आता है गाइस, ही डज आर्मर ब्रेक एंड ही इज़ वेरी वेरी डिसेंट विद दैट। ओके ये 325 और डाल देते हैं एंड ही विल बी रैंक टू गाइस। ड्रैगन मैन इज रैंक टू, काफ़ी टाइम से मिला हुआ है, मौका नहीं मिल रहा है इसको रैंक अप करने का क्योंकि इतने फार चैम्पियन मिले हुए हैं मुझे कि आई एम नॉट श्योर कि किसको कब कैसे किया जाए। यार मैं सोचता हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट डालूँ रिगार्डिंग दिस, बट कभी भी मौका नहीं मिलता गाइस, वेरी अनफॉर्चुनेट, मिस्टेक। कोई सा भी 6-स्टार मिस्टेक होगा उसको कर देंगे यार, एक बार टेक में देखते हैं क्या सीन है। ओके टेक में भी बहुत ज़्यादा बचे हैं लेवल्स वल्चर के, ये 4 ब्रेक ये ले गया, बाकी सारी ब्रिक्स कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, मैनगॉग, मैन थिंग, ड्रैगन मैन 4-स्टार, नो, डोरमामू 6-स्टार, आई कैन डेफिनेटली गिव हिम सम, पावर कंट्रोल चैम्पियन है, डिफेंस में डाल सकता हूँ मैं ऐसे अगर रैंक 2 होता, पर रैंक 2 नहीं है मेरे पास और रैंक 2 करना भी नहीं है ऐसे। सो या इसमें बस ठुकते रहते हैं अच्छे से आईसो ताकि वो मेरे लैप्स ना हो जाए मिस्टेक के। ये वाला भी हो गया, अब क्या क्लास आ रही है, सिर्फ मिस्टेक और ये क्यों दिख रहा है मुझे टेक, दैट्स वेरी वियर्ड राइट। ओके रैंक 1-2 जैम एंड रैंक 2 हो सकता है वो, पर हम वो पंगे लेंगे नहीं गाइस। अब चलते हैं क्ले मैक्स और जाते हैं मोल मैन में, मोल मैन को भी मेको रैंक 2 मैक्स तो करना ही है, ही इज़ एन एपिक चैम्पियन एंड ही डज फैंटास्टिक डैमेज। तो अगर आपने मेरा वो कैबलेयर वाला ही वीडियो देखा था तो आपको पता होगा काफ़ी धासु डैमेज देता है गाइस। ओके सास्क्वाच में डालते हैं थोड़े बहुत, ऑलराइट और थोड़े बहुत हम डाल देंगे इसमें, देखते हैं और क्या पड़ा है, बस मिस्टेक ना हो, मिस्टेक ही है शायद। मोल मैन पे चलते हैं, बेसिक आइसो मोल मैन और आर्च एंजल पे डालेंगे। आज कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको यार मैक्स तो कर ही दूँ, काफ़ी टाइम से बेचारे अटके हुए हैं रैंक 2 रैंक 5 पे, मतलब आज ही आर्च एंजल तो आज ही किया है, सो आई कांट कंप्लेन देयर। टेरेक्स वो देते हैं तो 2 आइसो ब्रेक ये पड़े हैं, साइंस और मिस्टेक के पड़े हैं और टेक के भी पड़े हैं, साइंस में कोई नहीं है। अच्छा मैन थिंग भी है वैसे मेरे पास, इसको भी कर सकता हूँ है ना, साइंस में कोई नहीं है, इट्स नॉट नो वन आई वांट टू रैंक इन साइंस राइट नाउ है ना, अगर साइंस में जाके देखूँ नो 3-स्टार आ गया, सेम प्रॉब्लम इन मेन अकाउंट, सेम प्रॉब्लम इन बेबी ध्रुव। ओके थोड़े लेवल्स इसको दे दिए यहाँ पे और क्लेम करते हैं मैक्सिमम। ओके टेक मिल रहा है काफी, टेक महिंद्रा ऑलराइट, और करते रहते हैं फटाफट क्लेम, जितना बेसिक आइसो होगा मैं आई गिव टू मोल मैन। मैं अभी क्लास वाइज नहीं सर्च कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू सक ऑल स्किल वाला आइसो टेक है, जब ये मैक्स आउट हो जाएगा और मतलब और दूसरे क्लास के नहीं मिल रहे होंगे तब देखेंगे हम। अभी क्रिस्टल ओपनिंग भी करूँगा तब भी आइसो फार्मिंग काफ़ी हो जाएगी गाइस, सो दैट इज़ देयर। टेक में वल्चर ब्रिलियंट ज़ार, अरे हो जा भाई। ओके आई थिंक मेरे लेवल अप पॉइंट्स हो गए होंगे, रैंक 2 नहीं करना मुझे इन्हें, ये क्लेम करने का बोल रहा है। टेक
लगता है कि म्यूटेंट भी बहुत है मेरी पास। म्यूटेंट क्लेम कर लेते हैं एक बार। एंड आज एंजल को थोड़े बहुत लेवल्स तो दे ही देते हैं गाइस, क्योंकि अब ये 13 दिन हो गए हैं, सो आई डोंट नीड टू वरी। कूल 36 क्लेम, थोड़े और बचे हैं, आई थिंक पूरा हो जाएगा ये। एंड क्लेम एंड बूम, हो गया ऑलमोस्ट। कितने चाहिए पॉइंट? ये ले, मिस्टेक का ले ले फ्री में। ओके ओके ऑल राइट गाइस, तो मेरा हो गया है लेवल अप इवेंट। अब जाके एक बार मास्टरी में लेट्स ट्राई टू अनलॉक, रिवाइज माय मास्टरी नाउ एंड अनलॉक डीप वुंड्स, क्योंकि अब आ चुका है मेरे पास। ओके अच्छा जी, स्ट्रेंथ में एक पॉइंट डाल दिया, ग्रेटर स्ट्रेंथ में एक, पेयर्स में एक, लेसर प्रिसिशन में एक, लेसर क्रुएल्टी में एक, इनमें पांच डालने हैं मुझे प्रिसिजन और क्रुएल्टी में। जैसे कि आपको पता है बेस्ट मास्टरीज हैं अभी तक की ये वाली अटैक में, जो आपको क्रिटिकल रेटिंग बढ़ाती है। सो इट्स बेसिकली हेल्प्स चैंपियंस टू गेट मोर क्रिटिकल डैमेज, और क्रिटिकल का चांस भी ज्यादा बढ़ जाता है गाइस। ओके लेट्स अनलॉक दिस। मेरे पास था ये, मैंने खरीद लिया था अगर आपको याद है। ऑलराइट, डिस्पेयर में एक पॉइंट, डीप वुंड्स में अभी एक पॉइंट डालते हैं, और बचा है मेरे पास कुछ सामान, एक ये खरीदना है ना। ठीक है, गो टू आइटम स्टोर ले लेते हैं। डीप वुंड्स में ज्यादा पॉइंट्स डालने हैं मैंने। तो चलते हैं वापस। असैसिन्स आई डोंट थिंक मैं अभी असैसिन्स लूंगा। 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स काफी होते हैं वैसे डीप वुंड में, बट आई डोंट वॉन्ट टू यूज अ लॉट ऑफ यूनिट्स। मैं 9000 के ऊपर ही रहना चाहता हूँ। सो आई विल गो विथ करेज 3 पॉइंट्स एंड विल पावर 3 पॉइंट्स, वो प्लान है। ठीक है, विल पावर 3 पॉइंट्स, सॉरी ग्लास कैनन 3 पॉइंट्स हेयर, एक्सटेंडेड फ्यूरी अभी रहने देते हैं। प्रोफिशिएंसी सही है मेरी है ना, एक्सटेंडेड फ्यूरी में डाल देते हैं, क्योंकि फ्यूरी बफ ज्यादा लंबे हो जाते हैं फिर। एक ही पॉइंट डाला मैंने, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। सिम्बियोट सुप्रीम के लिए, सॉरी सिम्बियोट सुप्रीम आल्सो वर्क्स वेरी वेल विद डीप मून्स, निक फ्यूरी, मेपा मोलमैन भी है, अब मेरे पास आ गया है आर्च एंजल। सो इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है अब ये वाली मास्टरी यूज़ करके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। इन केस आपको पसंद आया, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स अलायंस मेंबर्स सबके साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।